नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं हॉट न्यूज इंडिया टीवी। लुधियाना की पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में आज पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह पहुंचे, जिनकी ओर से किसानों को पराली को न जलाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार इस क्षेत्र में लगातार यत्न कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने मदद करने से मना कर दिया है। उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन के निधन पर दुख जताया। उन्होंने यह भी कहा कि बासमती की एक्सपोर्ट पर जो रोक लगी हुई थी वह अब खत्म हो गई है। हमें काफी खुशी हो रही है कि पंजाब में किसानों ने बासमती का रकबा काफी बढ़ाया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, पशुपालन के सहायक धंधे को लेकर भी हम लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं। गुरमीत सिंह खेतीबाड़ी मंत्री पंजाब ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। हॉट न्यूज इंडिया टीवी के लिए लुधियाना से रजिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। क्योंकि अगे नालों बहुत वड्डा जिहड़ा किसान भरा भी इस गल नूं समझ गया है कि जिहड़ी पराली है साडे लई बहुत वड्डा वरदान है। जे असी उहनूं जमीन विच ही खत्म कर दिंदे आ उहदे नाल बहुत सारे तत् आ जिहड़े जमीन नूं मिलदे आ, पर जे सानूं लोड़ भी होवे कि फसल बीजन वास्ते उहनूं वेहला करना है तां उह पराली बहुत थावां ते कम आउण लग गई है। चाहे उह बायोथर्मल है, साढ़े पट्ठे है, फैक्ट्रीज है, होर भी पैरट बन रहे हैं, उन्होंने कितने होर भी तरह की लोड़ मुताबिक भी छोटे छोटे भी अच्छ जिमें मॉडल वेखे है। असी जिमीदार भरा भी अपने गैस लिए बना सकते हैं, इन्हों का प्रबंध कर सकते हैं। तो पराली बहुत थावे काम आने लग गई है, अजक पराली संभालन भी लग गए। बहुत सारे सरकार वालों भी जतन किए गए हैं, जिमें यूनिवर्सिटी के माहर ने दसया गया, साइंसदाना ने दसिया, विच प्रैक्टिकल तौर पर जिमीदार भरा भी उस गल में सोचने लगे, जोड़े उन्होंने मशीनरी युग आ गया, वास्ते बहुत सारी मशीनरी है जी सरकार वालों सबसिडी दे दी जाती है। इस बार भी 350 करोड़ रुपए के जोड़े संद है ने मशीन वो जिमीदारा बनिया गई हैं, जिसे 1 लाख तो वध लोगों अर्जियां आई हैं। 24-25 हज़ार लाटरी रूप में इस पूरा पारदर्शी नाल, कोई यहोजा नहीं किसी नाल लगे भी जिमें पहला कर दिता जाता कि इनू दे दो छड़ दो इस तरह नहीं। तो अगले सालों में भी सरकार वालों ये योजना जी चालू रखी जाऊ। असी चाहते हैं कि जेडे साडे किसान भरा है वो यदा फायदा भी उठा सकन, ये तो लाभ भी प्राप्त कर सकन और असी प्रदूषण मुक्त भी होइए। ये बहुत सारिया बीमारियां साढ़े बच्चों तक आ गई है, तो एक बचने लई असी सारे रल मिल के हल्ला मारांगे। ये कामयाब अगे नाल बहुत वड्डे पद्धर से लोग समझन लग गए। तो जिमें अज ही असी इतने किया, इस तरह ये वक्ो वक्रे जिले जाएगी टीम लोगों प्रेरणगिया कमेटियां की भी गल साडे भरा ही होंगे और रल मिल के उन्होंने कमेटी ला लो भी जो सोचन लगन गए तो गल पास। एक पंजाब सरकार ने कहा कि 1500 रुपये प्रति एकड़ किसानों पराली के प्रबंधन लिए बोनस दिता जाऊगा। उसके बाद हालांकि केंद्र ने भी नहीं हिस्से की भी डिमांड की गई थी, पर केंद्र ने हाँ नहीं फड़ाई। इस वास्ते सानू मुश्किल आउंदी है भी वो कुछ हो देंदे तो कुछ पंजाब सरकार नहीं, पंजाब सरकार की दे सकती है, पहला कुछ सेंटर भी देवे हिस्सा पावे उन्होंने वालों। पर असी जिमें मशीनरी देने की गल है वो सेंटर भी हिस्सा पाँगा, ये मैं भी कह पंजाब के नाल रल के असी इस तो जरूर लोगों का वड्डा फायदा करा। सर, केंद्र सरकार ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशा लागू की जाएगी, सो उन्हों का कल देहांत भी हो चुका है, पर अज तक भी किसान लिए वो लागू नहीं हुई। सो लगता है कि ना कि किसानों की आमदन भी वड्डा जिहड़ा घाटा है। देखो जी, डॉक्टर स्वामीनाथन की रमनाथन जी उन्होंने संसार तो चले गए, उन्होंने किसानी की बहुत वड्डी सेवा की है और बहुत घालना घाली इस रिपोर्ट को बनाने वास्ते, तो उन्होंने ये श्रद्धांजलि भी है। पर सरकार ये वड्डी श्रद्धांजलि सेंटर दे सकता है कि जिन्होंने रिपोर्टा उन्होंने बहुत समा लवा के तैयार करवाइया उस कमीशन तो वो लागू करिया जाए और बहुत सारे मसले हल हो सकते जोड़े आ रोज़ के निके निके रौले है ना, ये निबड़ जाएंगे, असी फसलों बीजन लग जाएंगे जिते सानू मुनाफा होगा। हर एक बंदा जिहड़ा आपकी रोटी वास्ते मुनाफे वास्ते तो कम कर रहा है ना, तो जिमीदार भी उन्होंने जिमीदार भी सोचता भी जितों मैं
चार पैसे ज्यादा आने से अपनी जिंदगी खुशहाल रह सके। सर मंडिया के प्रबंध की गल की गई थी, एक तरीक नूं क्या किया सी कि शुरुआत जिहड़ी कीती जावे मंडिया का तकरीबन जिमें जिमें जिथे जिथे जड़िया मंडिया पहला तैयार हो जाए पिंड वाली जितों जितों लोड़ आ सारा कुछ तैयार मार्केटिंग बोर्ड वालों तैयारी की जाती है करी जा रही। सर विरोधी पार्टियां लगातार कह रही है कि जो पिछले जो फसल का खराबा होया उसको लेकर किसानों हाले तक उन्होंने मुआवजा नहीं मिल सकता है। सो किसान लगातार धरना भी कर रहे हैं, उसको लेकर नहीं रेलों उस गल में नहीं रोकिया गई सन, कई होर भी मामले होंगे आ, परंतु जिहड़े अज गल्लां करदे ना विरोधी धिर च बैठ के पाँच पाँच सत्त सत्त साल मुआवजा नहीं देंदे। कई बार तो बंदा भुल जांदा सी वी किहड़े साल फसल खराब हुई सी, ते असीं नाल दी नाल तैयार करके एक दिन च गल नहीं निबड़ सकदी हुंदी। पहलां उहदा अनुमान लाउणा, फिर उहदा सारा रिकॉर्ड बनाउणा, फिर उहनां च वंड करनी, फिर बैंकां दे खाते लैणे। इह ऑनलाइन तकरीबन अद्ध क तकरीबन पा दित्ता गया ते थोड़े दिनां विच इहनूं असीं निबेड़ देवांगे।